हर इंसान की सफलता की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, रेमो डिसूजा की भी है। आज भले ही वह एक मशहूर डांस कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक है, लेकिन एक समय था जब उनके खाने तक के पैसे नहीं होते थे। कहते हैं कि उन्होंने कई रातें बिना कुछ खाए पिए ही गुजारी हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है। रेमो डिसूजा का जन्म 2 अप्रैल 1972 को बंगलुरु में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश यादव है। वह डांस के पीछे इतने पागल थे कि वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई चले गए थे। मुंबई आने के बाद ही उन्होंने अपना नाम रमेश से रेमो कर लिया। रेमो डिसूजा ने अपने संघर्ष के दिनों में ही लिजेल से शादी कर ली थी। वो कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लिजेल ने रेमो का हर कदम पर साथ दिया, उनके मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़ी रही। रेमो डिसूजा को आमिर खान फिल्म रंगीला में पहली बार डांस करने का मौका मिला था। उसके बाद रेमो ने सोनू निगम की एल्बम दीवाना में कोरियोग्राफ किया। इसके बाद वह नहीं हटे, आगे बढ़ते गए। रेमो डिसूजा के पास आज करोड़ों की संपत्ति और आलिशान जिंदगी जी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 8 मिलियन डॉलर यानी करीब 58 करोड़ रुपए की संपत्ति है।